फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दिनेश कुमार पटेल। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग एक टीजीटी पीजीटी एंड जीआईसी की बायोलॉजी का एक सीरीज लेके चल रहे हैं हम लोग। उस सीरीज की कड़ी में हम लोग प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंटेट्स, तो सिलेंटेट्स में भी एक जीनस हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रा। आज बारी हम लोग की है ओविलिया, तो स्टडी करते हैं आज ओविलिया के बारे में डिटेल। ठीक, तो देखिए हम पहले देख लेते हैं ओविलिया का क्लासिफिकेशन। तो ओविलिया याद रखिएगा नाइडेरिया संघ का एक जीनस है। देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन कि फाइलम सिलेंटेट्स या नाइडेरिया। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है क्लास हाइड्रा जो है, फिर उसमें देखते हैं हम लोग जो है कि आर्डर हाइड्राइडा, जीनस ओविलिया एंड स्पीसीज आपका क्या होगा, ये जेनिकुलेटा। ठीक, तो फाइलम नाइडेरिया हाइड्राजोआ हाइड्राइया ओविलिया एंड जेनिकुलेटा। ठीक, तो अब हम देखते हैं हम लोग जो है इसके आगे किसका हैबिट एंड हैबिटेट देख लेते हैं हम लोग जो है कि ओविलिया कॉमनली रिफर्ड एज। देखिए सी फॉर, इसका देखिए मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया है कि सी फॉर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ये जो ओविलिया होता है कि समुद्री जीव होता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि हमने हाइड्रा की जब चर्चा किया था कि हाइड्रा क्या है, हाइड्रा फ्रेश वाटर एनिमल्स था। जबकि यहाँ पर क्या है, दिस इज द मेराइन, इट इज अ मेराइन कॉलोनियल फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। क्लियर। ओविलिया लुक्स लाइक व्हाइटिस लाइट ब्राउन। ठीक, नेक्स्ट है इट एग्जिबिट फिनोमिना ऑफ, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन एंड मेटाजेनेसिस। देखिए कई बार क्वेश्चन केवल यही पूछ दिया गया है कि मेटाजेनेसिस किसमें पाई जाती है, तो याद रहे जबकि यह मेटाजेनेसिस हाइड्रा में नहीं पाया जाता था, जबकि ओविलिया में मेटाजेनेसिस पाई, अर्थात अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन क्या होती है, पाई जाती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इट इज यूजुअली फाउंड अप टू द डेप्थ ऑफ 80 मीटर। देखिए इसका मींस क्या होता है, देखिए इसका मींस क्या है 80 मीटर। देखिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, कुछ एक्वाटिक एनिमल्स तो क्या होता है कि जल के सबसे ऊपरी सतह होते हैं, मतलब छिछले जल में। ठीक, और कुछ एनिमल्स क्या होते हैं काफ़ी गहराई में। तो देखिए जो गहराई में जो जीव होते हैं उनको हम लोग बेंथिक बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बेंथिक। ठीक, ये जबकि अगर छिछले जल में होते हैं तो उनको कुछ अलग टर्म देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बेंथिक एनिमल्स होते हैं। अब देखते हैं हम लोग मार्फोलॉजी, इट एग्जिबिट्स टू फॉर्म अ लाइफ हिस्ट्री। पहला क्या होता है, ये पॉलीपाइड या हाइड्राइड या हाइड्रेंथ फेज। दूसरा फेज क्या होता है, मेडुसाइड फेज। देखिए हमने आपको पहले वीडियो में भी बता दिया था कि संघ नाइडेरिया के 3 स्पीसीज हमको पढ़ने हैं। उस 3 स्पीसीज में से हमने आपको बता दिया था कि यह जो हाइड्रा हम लोग पढ़े हैं, हाइड्रा में केवल सिर्फ पॉलिप स्टेज पाया जाता था और ओविलिया में मेडुसा स्टेज, जबकि ओविलिया में आप देख रहे हैं कि पॉलिप एंड मेडुसा दोनों स्टेज पाए जा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर, इसमें ध्यान रखने की बात यही है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखिए अब स्ट्रक्चर देखिए, पहला आपको बताया हमने जो है, पहले हम क्या बात करेंगे, हाइड्राइड या हाइड्रेंथ। ठीक, देखिए नाम सबका एक ही, कन्फ्यूज करने की बात नहीं है, पॉलीपाइड कहे हैं हम या हाइड्राइड कहें या तो हाइड्रेंथ फेज कहे हम। क्लियर, देखते हैं हम क्या बताया इसमें जो है कि हाइड्राइड कॉलोनी ऑफ ओविलिया कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, हॉरिजॉन्टल थ्रेड लाइक ब्रांच रूट कॉल्ड हाइड्रोराइजा। ठीक, विच इज अटैच टू द सबस्टेटम। ये देखिए किससे, सबस्टेटम से अटैच होता है। द हाइड्रोराइजा गिव्स ऑफ सेवरल वर्टिकल स्टेम्स कॉल्ड हाइड्रोकोली। ठीक, हाइड्रोकोली, बोथ हाइड्रोराइजा एंड हाइड्रोकोली आर हॉलो ट्यूब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
अ हाइड्राइड कॉलोनी ऑफ ओविलिया कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स कॉल्ड जुएट्स। ठीक, ये देखिए, अब एक बार हम स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग जो है स्ट्रक्चर देखिए क्या कहता है इसमें, जो है स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल देखने की जरूरत यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले कहा गया है कि यह जो देखिए सबसे निचला भाग जो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेटम से अटैच किया जस्ट लाइक रूट हाइड्रोराइजा। ठीक है, आप देखते हैं एक ब्रिज एक पेड़ की तरह संरचना दिखाई देती है, तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट आपको हाइड्रोराइजा है जस्ट लाइक रूट। ठीक, बट नॉट अ रूट। सेकेंड क्या है, जो स्टेम जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, जो इतनी बड़ी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक, तो यह जो आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट खड़ा हुआ यहाँ पर, ये जो है क्या हाइड्रोकैलस। ठीक, जस्ट लाइक ए फंक्शन ऑफ स्टेम। क्लियर, अब देखिए ज्वाइट्स का मतलब यहाँ क्या होता है, ज्वाइट्स का मतलब इंडिविजुअल्स। अब देखिए ये ज्वाइट्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कितने प्रकार, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रेंथ। ठीक, फिर आप देख रहे हैं गोरेंजियम या हाइड्रेंथ पॉलिफ, अभी इसको डिटेल हम देखते हैं। देखिए इसमें अब देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो अब किसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ज्वाइट्स की बात करें हम, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दे आर थ्री पार्ट्स। पहला कौन है, सिनोसार्स। ठीक, अब सिनोसार्स पर हम देख लेते हैं हम लोग, ऑल ब्रांचेज आर ज्वाइट्स ऑफ ओविलिया कॉलोनी कंटेन एन इनर ट्यूबुलर हैविंग पोर्शन कॉल्ड सिनोसार्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैविंग ए कैविटी कैनाल कॉल्ड इंटरान या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अभी इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। ठीक, अ जिलेटिनस एंड अ सेलुलर मेजुग्लिया लाई इन बिटवीन दिस टू लेयर्स ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्लियर, अब देखते हैं हम लोग इस स्ट्रक्चर में, देखिए यहाँ पर इसका डिटेल स्ट्रक्चर बताया गया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये देखिए जो स्ट्रक्चर पहले है किसका, ये आपका स्ट्रक्चर, आप इसको पहले स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला जो देख रहे हैं कि हाइड्रेंथ, तो हाइड्रेंथ का सबसे ऊपर का पार्ट माउथ है, फिर उसमें हाइपोस्टोम और हाइड्रोथिका। इसके पहले हमने आपको बताया था सिलेंटेट्स में हाइड्रा के बारे में कि वहाँ पर भी हाइपोस्टोम होता था, माउथ होता था, टेंटिकल्स होते थे, यहाँ पर यहाँ हाइड्रोथिका। ठीक, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो सिनोसार्स की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर ये मेन स्ट्रक्चर, आप जिस विशेष ध्यान दीजिए इसको, जो है यह स्ट्रक्चर। ठीक, इतनी बड़ी स्ट्रक्चर देखिए, इनमें जो होता है कि सबसे बाहर की तरफ देखिए पेरिसार्स कहा रहा है। ठीक, तो जो बाहर क्लियर तो क्या पेरिसार्क होती है, जबकि अंदर क्लियर क्या होती है, आप दिखाया गया है ये सिनोसार्क होती है, दैट्स राइट। अब उसके बाद देखते हैं कि ये पेरिसार्क सिनोसार्क के बीच में एक हलो स्थान दिखाई दे रहा है, इस हलो स्थान को हम लोग क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का नाम दिया गया है। क्लियर, तो ये सब क्या, ये सब हाइड्रेंथ या पॉलिप के भाग होते हैं। क्लियर, अब आगे देखते हैं हम लोग जो है, अब देखिए इसी स्ट्रक्चर का यहाँ डिटेल बताया गया है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ऊपर माउथ, टेंटिकल्स, यहाँ क्या नेमेटोसिस्ट जस्ट लाइक डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, सब देख रहे हैं, सब डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं सब क्या होते हैं, सब नेमेटोसिस्ट होते हैं। और यहाँ पर ओपनिंग माउथ जो सबसे ऊपर, और क्या टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें अगला टॉपिक, देखिए पेरिसार्क, अभी बताया हमने कि द सिनोसार्क ऑफ इंटायर कॉलोनी इज कवर्ड बाई अ डॉट येलो और ब्राउन ट्रांसपेरेंट नॉन लिविंग प्रोटीन। ये नॉन लिविंग प्रोटीन लेयर कॉल्ड इज पेरिसार्क। अभी हमने पता है पेरिसार्क सबसे बाहर का लेयर होता है जो नॉन लिविंग प्रोटीन होती है। अब देखिए ज्वाइट्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको डिटेल देखते हैं हम लोग जो है, द कॉलोनी ऑफ ओविलिया इज पॉलीमॉर्फिक। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीमॉर्फिक, शोइंग द फिनोमिना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म हम कहते हैं। अ यंग कॉलोनी ऑफ ओविलिया इज टर्म्ड डाइमॉर्फिक। देखिए जो यंग कॉलोनी होती है ओविलिया के, उसको क्या बोलेंगे हम, डाइमॉर्फिक। अब डाइमॉर्फिक क्यों बोलते हैं इसको देखते हैं हम लोग, सिंस इट कंटेन ओनली टू टाइप्स ऑफ ज्वाइट्स। कौन टू टाइप्स ज्वाइट्स होते हैं, नेमली गैस्ट्रो ज्वाइट्स
पहला हो गया जिसको पॉलिप या हाइडेंथ अभी उन्होंने बताया कहते हैं, दूसरा ब्लास्टो स्टाइल्स या गोनोजोएट्स। ठीक, अब इसको डिटेल देखते हैं हम लोग। लिखा हो कि मैच्योर ब्लास्टो स्टाइल प्रोड्यूस सेक्सुअल ज्वाइट्स द मेडुसा बाई ए सेक्सुअल बडिंग। ठीक, अब देखते हैं अ मैच्योर ओविलिया कॉलोनी स्टर्म ट्राइमॉर्फिक। अभी देखिए यंग की जब बात हुई थी तो यंग में क्या था, डाइमॉर्फिक था, लेकिन जब हम देखेंगे कि अब यहाँ पे जो मैच्योर ओविलिया की बात हो रही है कि तो यह जो मैच्योर ओविलिया जो होती है क्या होती है, ट्राइमॉर्फिक होती है। अब ट्राइमॉर्फिक में कौन कौन पार्ट आते हैं ये देखते हैं हम लोग, जो है ये हमको मेन डिटेल स्टडी करना है। पहला क्या होता है, गैस्ट्रो ज्वाइट्स, डन। सेकेंड क्या होता है, गोनो ज्वाइट्स, क्लियर। एंड थर्ड क्या होता है, मेडुसी, ठीक, या मेडुसा। हम डिटेल सबको देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं हम लोग जो है गैस्ट्रो ज्वाइट्स, ठीक, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलिप। ये देखिए बहुत हमने बार बार हम आपको बता रहे हैं कि गैस्ट्रो ज्वाइट्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, पॉलिप होता है। ऑल पॉलिप आर फीडिंग स्ट्रक्चर एंड द कलेक्टिव एक्टिविटी सप्लाइज द होल कॉलोनी विथ एन एडिक्वेट मींस ऑफ नरिशमेंट। सेकेंड पॉइंट, द वॉल ऑफ हाइड्रेंथ इज कंपोज ऑफ एन आउटर, अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन आउटर इक्टोडर्मल इपिडर्मिस, डन, एंड इनर इंडोडर्मल लेयर ऑफ गैस्ट्रोडर्मिस। देयर इज एन एसरुलर थिन ट्रांसपेरेंट एंड जिलेटनस मेजुग्लिया इन बिटवीन टू लेयर्स। अब इसको हम डिटेल देखते हैं हम लोग जो है स्ट्रक्चर में। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, यहाँ हमने आपको भी दिखाया कि देखिए जो सबसे बाहर का लेयर, ठीक, अभी जो आपको बताया गया दिस इज द एक्टोडर्म, फिर अंदर का लेयर इंडोडर्म, फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं कि जो जिलेटनस लेयर दिस इज द मेजुग्लिया, मेजुग्लिया इज द बिटवीन टू एक्टो एंड द इंडोडर्म। ठीक, और उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें जो है हाइड्रोथिका, क्लियर। अब हमने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर है किसका, ये ओविलिया, वी एस मतलब वर्टिकल सेक्शन ऑफ पॉलिप और हाइडेंथ। ठीक, अब देखते हम लोग जो है ओविलिया हैज ओनली वन काइंड ऑफ नेमेटोसिस्ट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है, केवल एक ही प्रकार का नेमेटोसिस्ट होता है जिसका नाम क्या है, बेसिट्राइकस आइसोराइजा। जबकि आपको हमने बताया था कि हाइड्रा में चार प्रकार का नेमेटोसिस्ट पाया जाता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और याद रखने वाली बात ये है। उसके बाद देखते हैं ओविलिया इज कार्नियोर्स। ठीक, नेक्स्ट है कि डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, उसमें भी उन्होंने बताया था कि वहाँ क्या था, इंट्रा सेलुलर और फिर क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर। मतलब डाइजेशन क्या होता है, पहले इंट्रा सेलुलर फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों है। ठीक, फिर देखते हम लोग इक्टोडर्मिस कंटेन मेनी ऑर्गन्स लाइक न्यूक्लियस। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नीडोसेल इंटरस्टिशियल सेल नेमेटोब्लास्ट कंटेनिंग नेमेटोसिस्ट। ठीक, उसके बाद सेंसरी सेल्स मस्किलो इपिथिलियल सेल्स। ये एक्टोडर्म क्या करता है, इतने ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम लोग मेजुग्लिया कंटेन नर्व सेल्स, डन। इंडोडर्मिस कंटेन सीरोपोडियम फूड वैक्यूल एंजाइम सिक्रेटरी सेल्स फ्लैजेलम। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरा है गोनोजोएट्स। पहला हम लोग का हाइड्रोजोएट्स हो चुका था हाइड्रेंथ, दूसरा गोनोजोएट्स। लिखा व्हेन ओविलिया कॉलोनी हैज रीच्ड इट्स फुल डेवलपमेंट इट प्रोड्यूसेस स्पेशल नॉन फीडिंग ज्वाइट्स कॉल्ड गोनेंजिया। ठीक, अभी देखते हैं गोनेंजिया होता क्या है, स्ट्रक्चर भी देखते हैं हम लोग। अ गोनेंजियम कंटेन स्टाक पेरिसार्क सिनोसार्स डेवलपिंग मेडुसा ब्लास्टोस्टाइल गोनोथिका गोरोपोर, क्लियर। आगे हम देखते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ
पहले इसको देख लेते डिटेल। अब देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर ओबिलिया गोरेंजियम, एक गोरेंजियम का स्ट्रक्चर है जो अभी आपको दिखाया गया है। सबसे नीचे का जो स्ट्रक्चर क्या है आपको स्टाक, ठीक। फिर उसको आप देख रहे हैं आप पेरिसार्क, पर स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये टोटल स्ट्रक्चर है जो सबसे ऊपर आपको गोनोपोर दिखाया गया है, फिर ठीक उसके नीचे गोनोथिका, क्लियर। फिर उसके नीचे आप देख रहे हैं ब्लास्टो स्टाइल, ठीक। फिर आप देख रहे हैं डेवलपिंग मेडुसा बड, क्लियर। फिर सिनोसार्स, मतलब सिनोसार्स, पेरिसार्क एंड स्टाक। तो ये स्ट्रक्चर आपने क्या देखा कि स्ट्रक्चर क्या, यह टोटल स्ट्रक्चर जो होता है गोनेंजियम का ये है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो है द मेन फंक्शन ऑफ गोनोजोएट्स इज टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, हैंस कॉल्ड रिप्रोडक्टिव जोएट्स, ठीक। नेक्स्ट है ईच ब्लास्टोस्टाइल्स प्रोड्यूसेस न्यूमेरस लैटरल बट्स। अब देखिए ये लाइन याद रखने वाली बात, ध्यान रखिएगा। देखा ईच ब्लास्टोस्टाइल्स प्रोड्यूसेस न्यूमेरस लैटरल बट्स, मतलब ए सेक्सुअल विच डेवलप इनटू द मेडुसा, मतलब जो मेडुसा जो डेवलप होता है क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्लियर। आगे देखते हम लोग, अब डिटेल स्टडी करते हैं मेडुसा के बारे में। देखिए दे आर सॉलिटरी एंड पिलेजिक। अभी देखिए हमने आपको बताया कि सॉलिटरी मतलब एकल होते हैं, पिलेजिक, पिलेजिक शब्द का मतलब हमने आपको बताया कि इनकी समुद्र में जो गहराई होती है लगभग 60 से 80 मीटर गहराई के बीच में पाई थी, इसलिए क्या होते हैं ये पिलेजिक होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं दे स्विम फ्रीली, ये क्या स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। मैच्योर मेडुसी बियर गोनेट्स एंड द रिप्रोडक्टिव, दे आर यूनिसेक्सुअल्स। आगे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेडुसा। अब मेडुसा इज रेडियली सिमेट्रिकल, इट इज टीनी एंड द सर्कुलर हैविंग अम्ब्रेला लाइक शेप। ये देखिए इंटरेस्टिंग बात यह कि अम्ब्रेला लाइक शेप इसका होता है। दे हैव आउटर सरफेस इज नोन एज एक्स अम्ब्रेला, जो बाहरी ऊपर का जो सरफेस होता है इसको एक अम्ब्रेला कहते हैं, जो कॉन्वेक्स होता है, जबकि जो कॉनकेव पोर्शन जो धसान की तरफ जो होता है, जो नीचे की तरफ धसा होता है अम्ब्रेला में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं हम लोग सब अम्ब्रेला। अब इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे हम लोग, जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है कि जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, ये लिखा है एक्स अम्ब्रेला इज एक्टोडर्मिस, मतलब जो कॉन्वेक्स पोर्शन है, जो पोर्शन फूला हुआ जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको क्या कहते हैं एक्स अम्ब्रेला, जबकि जो नीचे धसा हुआ भाग ध्यान रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखिए जो धसा हुआ भाग है ये सब अम्ब्रेलर, ये सब अम्ब्रेला एक्टोडर्मल, क्लियर। तो जो ऊपर का भाग था वो क्या था एक्स अम्ब्रेला था, जो नीचे का भाग था जो धसे हुए जो कान के भाग में होते क्या होते हम लोग सब अम्ब्रेलर जी एक्टोडर्मल। अब देखते उसके आगे हम लोग एंड कॉनकेव नोन एज द सब अम्ब्रेला हैविंग डाउन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सब अम्ब्रेलर सरफेस इज अ शार्ट हॉलो मैनुम्ब्रियम। अब देखिए ये जो डाउन वर्ड होता है नीचे की तरफ देखेंगे तो एक शार्ट हॉलो होता है, इसको क्या बोलेंगे हम मैनुम्ब्रियम। अभी इसको दिखाते हैं हम लोग, एट द एंड ऑफ विच इज फोर लोब्ड ओरल एपर्चर और माउथ, माउथ ओपन्स इंटू अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कॉल्ड स्टमच और गैस्ट्रिक कैविटी सिचुएटेड इंटू द मैनुम्ब्रियम। फ्रॉम द स्टमच अराइज फोर रेडियल कैनाल एंड पेरीफेरी ऑफ रेडियल कैनाल फ्रॉम द सर्कुलर कैनाल। अब देखते हैं हम लोग उसको स्ट्रक्चर, पहले देख लेते हैं हम लोग जो है ये स्ट्रक्चर क्लियर, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग जिसमें डिटेल दिखाया गया इस स्ट्रक्चर में। देखिए अभी आपको बताया हमने कि एक्स अम्ब्रेलर जो ऊपर की तरफ होता है, ठीक, और उसके बाद क्या देखेंगे आप जो है सब अम्ब्रेलर, यहाँ देख रहे हैं आप जो नीचे की तरफ दिखाया गया है, तो ये बात क्लियर है कि जो सब अम्ब्रेलर जो नीचे के धसान की तरफ होता है
जबकि एक्स अम्ब्रेला क्या होता है, ऊपर कॉन्वेक्स पोर्शन होता ये है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो भाग जो नीचे की तरफ खुलता है, ये देखिए ये क्या है आपका है मैनुब्रियम। तो देखिए ये जो मैनुब्रियम क्या होता है, जो अष्टमच वाला पार्ट आपको यहाँ जो राउंड शेप में दिखाया गया है, इस अष्टमच वाले पार्ट को ध्यान रखिएगा, यही अष्टमच वाला पार्ट, ये अष्टमच है और यही अष्टमच क्या नीचे की तरफ खुल रहा है, जिसको हम क्या बोल देंगे हम, यही आपका क्या है मैनुब्रियम है। ठीक, ये आपका क्या है, दिस इज द मैनुब्रियम। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि मैनुब्रियम कहाँ पे आके खुलता है, ये देख रहे हैं माउथ क्या होता है, ये माउथ में आके खुलता ये है। अब आप देख सकते हैं कि इनके चारों तरफ जो लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 सॉरी 4 की संख्या जो दिखाई, वो क्या है, दिस इज द गोनैड्स। ठीक, हर गोनैड्स जो होता है कि एक लाइन से जुड़ी होती है, जो लाइन जो आपको दिखाया गया है, ये लाइन क्या है, सर्कुलर कैनाल होता है। ठीक, सर्कुलर कैनाल, और सर्कुलर कैनाल के बाद जो होती जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपको क्या विलम दिखाई दे रहा है, दिस इज द विलम। जबकि यह विलम सर्कुलर कैनाल जबकि क्या हाइडेंथ में नहीं होता था, ये केवल मतलब पॉलिप में नहीं होता है, केवल क्या होता है मेडुसा में कंप्लीट होते हैं। अब आगे देख सकते हैं, अब जो स्ट्रक्चर लगभग आपका क्लियर हो गया जो है, और हाँ एक विशेष बात कि सब चारों तरफ क्या, दिस इज द टेंटिकल्स, ये क्या होते हैं, ये टेंटिकल्स चारों तरफ लगे होते हैं। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया ये है, देख क्वेश्चन बार बार क्या पूछा गया है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया पोजिशन ऑफ स्टैटोसिस्ट। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जो स्टैटोसिस्ट करता क्या है कि एक तरह से सेंसरी आर्गन का काम करता है ये, क्लियर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर हम लोग यही देखे थे, क्लियर, यहाँ तो पूरा क्लियर हो गया था हम लोग का जो है। अब उसमें देखते हैं हम लोग यह भाग जो आपको जो टेंटिकल्स दिखाया गया है, ठीक, तो टेंटिकल्स देख लेते हैं हम लोग, ये है देर आर 16 टेंटिकल्स, देखते हैं कितने टेंटिकल्स, 16 टेंटिकल्स यहाँ पाए जाते हैं यंग मेडुसा, बट दिस नंबर इंक्रीज इन द एडल्ट स्टेज। मतलब यंग मेडुसा में 16 टेंटिकल्स होते हैं, पूछा गया क्वेश्चन ये है कि कितने टेंटिकल्स होते हैं, क्या बताएंगे आप, 16 टेंटिकल्स होते हैं, जबकि यंग मेडुसा में इसकी संख्या घट मतलब बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन ये है, पर रेडियल टेंटिकल्स जो कितनी संख्या में है, 4 इन नंबर। सेकेंड क्या है, इंटर रेडियल टेंटिकल्स, दीज आर 4 इन नंबर, राइट। थर्ड क्या है, एट रेडियल टेंटिकल्स, दीज आर 8 इन नंबर, क्लियर, ये कितने नंबर में होते हैं, 8 नंबर में। लास्ट इतने में सब रेडियल टेंटिकल्स, दीज आर टेंटिकल्स आर फाउंड इन बिटवीन द एट रेडियल एंड द पर आर इंटर रेडियल टेंटिकल्स। ठीक, ये क्लियर। तो हम लोग देख इसके बाद वाले वीडियो हम लोग मेडुसा का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, मेडुसा एंड पॉलिप में डिफरेंस भी देखेंगे। तो आज हम लोग इतना स्ट्रक्चर क्लियर किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी हम लोग का ओविलिया का सेकेंड वीडियो इसके बाद वाला होगा, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।